आयकर विभाग ने शिवसेना नेता यशवंत जाधव के घर पर लगातार 4 दिनों तक छापेमारी की है। इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। पूछताछ के दौरान आयकर विभाग को जाधव की डायरी मिली। इसमें उल्लेख है कि जाधव ने मातोश्री को 2 करोड़ रुपए दिए। इसमें उल्लेख है कि जाधव ने मातोश्री को 2 करोड़ रुपए दिए। जब पूछा गया कि मातोश्री कौन है तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मां को पैसे दिए हैं। खुलासा हुआ है कि मां को चैरिटी का काम करने के लिए पैसे मिलते थे। इस बीच आईटी विभाग यशवंत जाधव की कार्रवाई के बारे में और पूछताछ कर रहा है। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उनके लिए ज्यादा बोलना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आयकर विभाग उनकी डायरी में मातोश्री के उल्लेख की उचित जाँच करेगा। नाही, नेमकी काय नोंद आहे ही मग बघितलेली नाही, पण आता इन्कम टॅक्स ज्या काही नोंदी आहेत त्या नोंदींच्या संदर्भात उचित चौकशी करेल, त्यामुळे यापेक्षा अधिक त्याच्यावर काही बोलण्याचं कारण नाही आहे। 100% मी तर सभागृहामध्ये सांगितलं की 24 महिन्यात 38 प्रॉपर्टी, म्हणजे कोविडच्या काळामध्ये आम्ही जे म्हणत होतो की कोविडच्या नावावर भ्रष्टाचार चाललेला आहे, त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरं काहीच होत नव्हतं, हे आता स्पष्ट झालेलं आहे। मला असं वाटतं की या संदर्भात जी काही इन्कम टॅक्स विभाग आहे ती उचित चौकशी करेल। मला वाटत नाही की यावर मी फार जास्त काही प्रतिक्रिया दिली पाहिजे। हिंदी कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।